आजिठार पूजा विधिवत भाव में आरंभ हो जाइए। जो भाई भाव सका पूरा पांच घंटार पूजा था, प्रायश्चित पूजा, संकल्प पूजा, गोदान पूजा, समस्त पूजा सरी कलश जात्रा रे आसी कलश से सरजू नदी पा जा पूरा राम मंदिर छिंचा जीवर पुणी आसंता काली जहाँ पूजा रही। किंतु वर्तमान आम नागेश्वर मंदिर अच्छू, जो नागेश्वर मंदिर को प्रधानमंत्री 22 तारीख दिन प्रथम सरजू नदी आसबे, सेठारे स्नान सर से सीधा सड़क नागेश्वर मंदिर आसबे। नागेश्वर मंदिर रे महादेव को जलाभिषेक कर सारा से रामलाला पाख को जिबे एवं सेठारे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जोगदेबे। तबे ये जो मंदिर रही नागेश्वर मंदिर कहा जाए कि त्रतीया युगरे रामंकर जो पुओ लव एवं कुश कुशों द्वारा ए मंदिर को प्रतिष्ठा करा जायतला, ए लिंग को कुश ही प्रतिष्ठा करथिले। तबे पूरा जहाँ इतिहास रही मंदिर रे आमे सीधा सड़क पंडित जी सहित आलोचना करबा कि प्रकृत रे कौन रही मंदिर पूरा इतिहास। तबे सहयोगी को अनुरोध करी कि से पूरा चित्र देखाइबे मंदिर रो, ये होची पूरा नागेश्वर मंदिर चित्र। आपण तले महादेव को पूरा दर्शन करें, ये सीधा सड़क भिजुआल देखिपे नागेश्वर मंदिर रे, जो नागेश्वर मंदिर को 22 तारीख दिन प्रधानमंत्री आसी जलाभिषेक करेंगे। तबे हमें पंडित जी को सहित आलोचना करबा, स्वागत है आपका अर्गस न्यूज से। क्या बोलेंगे, ये जो नागेश्वर मंदिर है प्रधानमंत्री आएंगे 22 तारीख को यहाँ जलाभिषेक करेंगे, देन उसके बाद रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जुग। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिन जाने, कहा गया है शास्त्रों में भी कि जो राम का भक्त होगा वो शिव का भक्त होगा। और चूंकि मोदी जी का प्रोग्राम है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में, वो आएंगे रामलला को विग्रह स्थापित करेंगे। सबसे पहले मोदी जी सरयू नदी में स्नान करने के बाद ये भगवान राम के लड़के कुश के द्वारा स्थापित नागेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी रामलला के दर्शन को और विग्रह को स्थापित करने के लिए जाएंगे। ये जो नागेश्वर मंदिर है इसका क्या इतिहास है, इतिहास क्या कहते हैं इसके बारे? नागेश्वर मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। भगवान राम के लड़के लव और कुश अयोध्या आए जल विहार करने, और सरयू नदी में स्नान करते समय उनके हाथ से एक कंकड़ जो है गिर गया सरयू के जल में, और उस कंकड़ के गिर जाने से कुश जी को बड़ा आघात पहुंचा। और जब ये जानकारी हुई कि वो कंकड़ नाग कन्या कुमुदिनी लेके चली गई है, तो उन्होंने सर संधान किया, बाण को प्रत्यंचा पे चढ़ाया और कुमुदिनी को मारने के लिए जब सर संधान कर लिया, तो नागों के राजा कुमुद ने भगवान शिव की विनम्र मन से प्रार्थना की, निवेदन किया, उसकी करुण पुकार पे भगवान शिव इसी जगह प्रकट हुए और उन्होंने कुश को ऐसा करने से मना किया। बाद में भगवान शिव की ही प्रेरणा से कुश का उसी कुमुदिनी नाग कन्या से विवाह हो गया, और भगवान शिव से कुश जी ने ये वरदान ले लिया कि आप कलयुग में इस लिंग में पत्थर की मूर्ति में विग्रह में आप हमेशा भक्तों को दर्शन देते रहेंगे। क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री आएंगे उसके लिए कुछ स्वतंत्र व्यवस्था? अब प्रधानमंत्री आएंगे तो कुछ न कुछ तो व्यवस्था करेंगे ही, चूंकि ये मंदिर बहुत प्राचीन है। जैसे उन्होंने अयोध्या को देख ही रहे हैं, अयोध्या चमक रही है, योगी जी ने बहुत ही प्रयास किया। हम भी प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि मंदिर बहुत प्राचीन है, इसका भी जीर्णोद्धार बहुत जरूरी है, चूंकि 21वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य के द्वारा इसका जीर्णोद्धार हुआ था, तब से आज ये मंदिर उसी तरीके से चल रहा है। वहाँ भी एक रामपेड़ी है नागेश्वर मंदिर के आगे, थोड़ा रामपेड़ी है, और रामपेड़ी के बारे में कुछ बोलो, रामपेड़ी क्या है? हम सब लोग योगी को दीपोत्सव मनाया जाए वहाँ। राम की पैड़ी, पहले सरयू की अविरल जलधारा इसी मार्ग में बहती थी, धीरे धीरे सरयू जी दूर चले गए। प्राचीन सरकारों की वजह से राम की पैड़ी का निर्माण हुआ। आज राम की पैड़ी का देख रेख योगी जी के संरक्षण में यहीं पे दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है, जिससे सारे अयोध्या के लोग देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और दीपोत्सव की छटा बड़ी निराली होती है।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।